रेसलिंग की बात करें और रोमन रेंस का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं फेमस रेसलर रोमन रेंस के बारे में। रोमन रेंस को तो आप जानते होंगे जिन्होंने अपने सुपरमैन पंच से कई खिलाड़ियों को धूल चटाई है। इस वीडियो में इनकी लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं, आखिर कितना स्ट्रगल करा है इन्होंने इस मुकाम को हासिल करने के लिए, और साथ ही साथ इनके कार्स कलेक्शन हाउस और इनकी फैमिली के बारे में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप रोमन रेंस के फैन है तो इस वीडियो कर दे लाइक। रोमन का रियल नेम लियाटी जोसफ अनोई है और इनका रिंग नेम रोमन रेंस है, और इन्हें प्यार से जॉय, द बिग डॉग, द पावर हाउस और द गाय बुलाते हैं। रोमन रेंस प्रोफेशन से एक प्रोफेशनल रेसलर, एक्टर और फुटबॉल प्लेयर हैं। रोमन का जन्म 25 मई 1985 को पेंसाकोला फ्लोरिडा यूएस में हुआ और 2021 के हिसाब से 36 साल के हैं। रोमन रेंस ने अपने स्कूल की पढ़ाई पेंसाकोला कैथोलिक हाई स्कूल फ्लोरिडा से की और इसके बाद इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अटलांटा से की, जहां से इन्होंने मेजर इन मैनेजमेंट की डिग्री ली। दोस्तों अब बात करते हैं रोमन रेंस के करियर के बारे में। रोमन रेंस की मजेदार बात यह है कि उन्होंने अपना करियर रेसलिंग से नहीं बल्कि फुटबॉल से शुरू किया था। साल 2007 में रोमन रेंस ने अपना फुटबॉल करियर ऑफ सीजन में नेशनल फुटबॉल लीग के मिनेसोटा वाइकिंग्स और जैक्सन विल जैगुआर के साथ किया था। उसके बाद साल 2008 में वो कनाडा जाकर कैनेडियन फुटबॉल लीग के एंडोमोंटन स्किमॉक्स का हिस्सा बन गए। उस सीजन के अंत में रोमन रेंस को रिलीज कर दिया गया और उनका फुटबॉल करियर वहीं खत्म हो गया। उसके बाद रोमन रेंस ने प्रोफेशनल रेसलिंग को अपना करियर चुना और साल 2010 में वो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसके बाद फ्लोरिडा चैंपियनशिप से जुड़ गए और 9 सितंबर 2010 को उन्होंने अपनी प्रोफेशनल रेसलिंग करियर की शुरुआत की और रिंग में रोमन लियाकी नाम से उतरे, लेकिन ये अपना पहला ही मैच हार गए और 2012 में इन्होंने सेथ रोलिंस और डी एम्ब्रोस के साथ मिलकर टीम बनाई द शील्ड और अपना रोस्टर डेब्यू किया, लेकिन ये टीम ज्यादा समय तक नहीं चली और साल 2014 में सब अलग अलग हो गए। और उसके बाद रोमन ने सारे मैचेस अकेले खेले और सिंगल मैचेस में रिची स्टेमबोर्ड के हाथों हार गए और साल 2011 में डॉनी मार्लो के साथ मिलकर रोमन ने टैग टीम बनाई और कैल्विन रेंस और बिग ई लैंगस्टन को FCW चैंपियनशिप में चुनौती दी, लेकिन अफसोस ये कि ये मैच हार गए। और कई मैच हारने के बाद रोमन को पहली जीत नसीब हुई। 2012 में इन्होंने लिए क्रूगर को हरा दिया और यहां से उनके करियर ने नया मोड़ लिया और फिर FCW हैवीवेट चैंपियनशिप में डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस को भी हरा दिया। इसके बाद इन्होंने माइक डॉल्टन के साथ मिलकर फ्लोरिडा टैग टीम खिताब जीता और उसी साल WWE ने FCW का नाम बदलकर WWNXT रखा। तब रोमन लीकी ने भी अपना नाम बदलकर रोमन रेंस कर लिया और 31 अक्टूबर को डेब्यू करते हुए सीजे पार्कर को हराया और साथ ही साथ उन्होंने चेस डोनोवन को भी हराया और फिर डिवीजन में 5 दिसंबर को अपना आखिरी NXT मैच गेविन रिट्स के खिलाफ लड़ा और जीत हासिल की। 2014 में रोमन सुपरस्टार ऑफ द ईयर भी रहे हैं। 3 अप्रैल 2016 को रोमन ने ट्रिपल एच को हराकर तीसरी बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम की और इसके अलावा रोमन ने आगे चलकर यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप भी जीती। दोस्तों वहीं मैं आपको बता दूं, रोमन कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। इन्होंने 2016 में फिल्म काउंटडाउन में काम किया और इसके अलावा फिल्म द जेटसन एंड WWE रोबो रेसलमेनिया में भी काम कर चुके हैं और 2019 में द रॉक के साथ फर्स्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की हॉब्स एंड शो फिल्म में भी नजर आए थे। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताना रोमन रेंस आपको कैसे लगते हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको रोमन रेंस की फैमिली से। तो इनके फादर का नाम है सीका अनोई, जो कि एक रेसलर रह चुके हैं, और इनकी मदर का नाम है पैट्रिसिया अनोई, और इनके एक ब्रदर थे मैथ्यू अनोई, जिनको प्यार से रोजे भी बुलाते थे और ये भी रेसलर थे, लेकिन 2017 में इनका निधन हो गया था। और इनकी दो सिस्टर भी है जिनका नाम है वेनेसा अनोई और दूसरी सिस्टर का नाम है समर अनोई। बात करें रोमन रेंस की वाइफ के बारे में तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने 2014 में गैलिना बेकर से शादी की और इनके 3 बच्चे भी हैं, 2 बेटा 1 बेटी, और वहीं इनके 2 बेटे जो 2017 में पैदा हुए थे ये ट्विंस है, और इनकी बेटी है जोएले अनोई जो कि 2008 में पैदा हुई थी। बात करें रोमन रेंस के हाउस के बारे में तो दोस्तों रोमन रेंस का एक सुंदर सा घर है टंपा फ्लोरिडा में, जैसे कि आप इन पिक्चरों में इनका घर देख सकते हैं।
बात करें रोमन रेंस के कार कलेक्शन के बारे में, तो इनके पास कार है मर्सिडीज GLE 250D और इस कार की प्राइस है $55,700 और इंडियन करेंसी में 68 लाख रुपीज। और दूसरी कार इनके पास है रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी और इस कार की प्राइस है $1,17,000 और इंडियन करेंसी में 2.51 करोड़ रुपीज। और तीसरी कार इनके पास है निशान रॉग और इस कार की प्राइस है $27,000 और इंडियन करेंसी में 20 लाख रुपीज। और इनके पास कैडिलैक स्क्लेड भी है और इस कार की प्राइस है $96,000 और इंडियन करेंसी में 1.2 करोड़ रुपीज। और सिक्स कार इनके पास है मर्सिडीज बेंज V250D और इस कार की प्राइस है $67,000 और इंडियन करेंसी में 82 लाख रुपीज। और लास्ट कार इनके पास है शेवरलेट इक्विनॉक्स और इस कार की प्राइस है $25,000 और इंडियन करेंसी में 17.7 लाख रुपीज। अब बात करते हैं रोमन रेंस के इनकम के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रोमन रेंस को हर साल रेसलिंग की तरफ से मिलते हैं $5 मिलियन यानी इंडियन करेंसी में 40 करोड़ रुपए। और ज़्यादातर इनके इनकम ब्रांड इंडोर्समेंट से होती है जिसके लिए वो चार्ज करते हैं $1.4 मिलियन यानी 10 करोड़ रुपए। बात करें इनके नेटवर्थ के बारे में, तो इनका नेटवर्थ है $15 मिलियन यानी इंडियन करेंसी में 112 करोड़ रुपए। तो ये थी रोमन रेंस की लाइफ स्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो की सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।